नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, जो विनर्म इतने के शत्रु के संहार के बाद भी अपने भाई को कहते हैं कि इनके चरणों में जाइए, ज्ञान अर्जित करने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा, और बलशाली इतने के समुद्र को भी चुनौती देने से चूकते नहीं, पिता के प्रति सम्मान इतना कि उनके शब्दों के मान के लिए वनवासी हो चले, और पत्नी प्रेम में इतने निश्चल कि पत्नी के लिए समुद्र लांग गए, भाई के प्रति प्रेम ऐसा कि गम में बेसुध हो गए, और मां के प्रति आदर इतना कि उनकी आन के लिए सब कुछ छोड़ चल, क्योंकि वो राम है। राम का अर्थ ही होता है जहां आकर सब कुछ शून्य हो जाए, जहां आकर सब कुछ समाहित हो जाए, जहां आकर सब कुछ स्थायी हो जाए। लेकिन ऐसे राम जो सभी के आदर्श हैं, जो धर्म से परे हैं, उनको भला जाति में बांधा कैसे जा सकता है, और क्या वो मांसाहारी है? सवाल उठाने वाला है एनसीपी का नेता जितेंद्र आर्य। अब सवाल यह है कि एक तरफ प्रभु श्री राम की गाथा वैश्विक पटल पर अमित होने की तरफ चल रही है, भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग संपूर्ण हो रहा है और वैश्विक स्थल पर सिर्फ सुनाई दे रहा है जय श्री राम, और दूसरी तरफ क्या साजिश के तहत उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमारे राम इतने विकराल है कि काल भी उनको अपने साथ बांध नहीं पाया, सतयुग में नागपाश बाण उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया, तो कलयुग में ऐसे बयान भला उनको क्या बांधेंगे। हम तो बस यही कहेंगे कि सद्बुद्धि दे भगवान। चौदा वर्षाचा वनवास फक्त आईच्या आणि वडिलांच्या इच्छेखातर भोगणारा राम हा या पक्षात असू शकतो, या तीन पक्षात? कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे। लोग भावनाओं की का आदर करते हुए खेद व्यक्त करते हैं। वाकई में अगर लोक भावनाओं का आदर होता तो ऐसा बयान ही नहीं दिया जाता, लेकिन यहां सिर्फ लोक भावनाओं का ही वक्त नहीं, और सिर्फ बात उस पर नहीं, क्या वाकई में इस माफी के बाद भी यह कहा जाए कि अंदर से तो अब भी वो यही सोचते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही थे, लेकिन डर लगा तो माफी मांग ली। सवाल यह है कि आखिर कब तक प्रभु श्री राम को इसी तरीके से कभी काल्पनिक बता दिया जाएगा, कभी राम सेतु को तोड़ने की योजना बना दी जाएगी, कभी साजिश रच दी जाएगी, तो कभी राम को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाए। आज बात इसी मुद्दे पर कि सद्बुद्धि भगवान कब तक दे और किस किस को दे, क्योंकि राजनीति के बीच में प्रभु श्री राम नेताओं ने लाकर खड़े कर दिए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता अमित गोयल जी, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत जी, और हमारे साथ धर्माचार्य के तौर पर शास्त्री कौशलेंद्र दास जी जुड़े हैं। नितिन, जरा ये बताइए, कोई तो हद होती होगी, कोई तो लिमिट होती होगी कि देश की भावनाओं आस्था के साथ खिलवाड़ करने से रोका जाए, रुका जाए, यह सारी लिमिट क्रॉस हो चुकी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी उन्होंने बयान दिया वो बिल्कुल निंदनीय है, और उन्होंने उसके लिए माफी मांगी है। मैं कहता हूँ कि और माफी भी, नहीं मांगी बार उन्हें, नहीं, उन्होंने कहा लोक भावनाओं का सम्मान करते हुए माफी मांगता हूँ, उन्होंने उसके लिए माफी मांगी है, और मैं कह रहा हूँ अगर उसमें भी कोई किंतु परंतु अगर है तो उन्हें फिर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, हमारे राम तो जो महात्मा गांधी जी ने बताए हैं वो अहिंसक हैं, वो हिंसक हो ही नहीं सकते। हम तो मानते हैं कि राम तो सबका उद्धार करने वाले हैं। चरितम रघुनाथस्य सत्कोटि प्रविस्तरम् एकैकं कंसरम पुंसा मापतक नाशनम्, मतलब उनके चरित्र इतना विस्तृत है कि अगर उसका एक भी कण अगर किसी को पता चल जाए तो उससे महापापों का विनाश हो सकता है। तो मैं बिल्कुल इसलिए एक दौर में काल्पनिक करार दे दिया गया था, इसलिए एक दौर में जहाजरानी मंत्रालय बनाकर राम सेतु को तोड़ने की कोशिश की गई थी। अपनी बात कह लूं, मैं फिर उस पे भी आऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो भी मैंने बताया कि राम तो हमारे इतने हैं, जगत कृपालु है, वो तो
जिस तरीके से वो पुत्र रहे, राजा के रूप में, सन्यासी और पति के रूप में रहे, वो तो दया के सागर है। तो काल्पनिक रहे हैं। रुकिए एक बार सुनिए, नितिन काल्पनिक रहे हैं वो। एक बार विजयन जी मेरे को पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए, दो मिनट बस केवल मैं आपको ले रहा हूँ। नहीं नहीं, दो मिनट नहीं है, एक नई परिभाषा कांग्रेस कैसे कर सकती है। चलिए मैं आपके ही नेताओं के बयान देता हूँ, उन्होंने तो माफी मांग ली, इनके लिए किसी ने मांगी माफी है क्या? सुनिए एक बार, चलिए शुरू करते हैं। जितेंद्र का बयान तो आपको सुनाई चुके हैं, एनसीपी के विधायक हैं, उन्होंने तो सीधा कहा कि राम हमारे हैं, बहुजनों के हैं, भगवान राम शिकार करके खाते हैं, हम भी श्री राम के आदर्शों पर चल रहे हैं। राम को आदर्श बताकर लोगों पर शाकाहारी खाना थोपा जा रहा है। उदित राज का बयान चलाइए जरा। उदित राज ने कहा कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि राम का मंदिर बनना मतलब 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि देश में राम मंदिर कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए अब विजयन जी, सपा नेता जो INDI गठबंधन का हिस्सा है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो क्या कह रहे हैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा एक ड्रामा है, ये सब साधु संत के भेष में आतंकी है। जितने भी बयान, और मैं आपको बता रहा हूँ सर, कांग्रेस के नेता है होलाल खेरे, बीजेपी की कांग्रेस के नेता है होलाल खेरे, वो क्या कह रहे हैं कि सिद्धार्थ में या स्वयं राम है, फिर अयोध्या में राम लल्ला के मंदिर में जाकर उस राम की पूजा क्यों करें जो बीजेपी के राम है, इनके लिए कौन माफी मांगेगा? निषाद जी बोलते हैं कि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, कौन सा खीर खाने से कौन सा पुत्र होता है, अरे वो तो ऋषि श्रृंग के बेटे थे, ये बताइए कौन सी आज भी बीजेपी के सहयोगी है। निषाद कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीतारण हो जाता है, बताइए कौन सी माफी आज तक मांगी है। सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी थी, ये दिनेश शर्मा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है उनका बयान है, बताइए कौन सी माफी मांगी। इससे ऊपर बढ़ के जो नरेश अग्रवाल जी थे, जो राम जिस जो कहते थे कि रम में बसे राम और जिनमें जानकी, वो इनको इन्होंने क्या सम्मान नवाजा है वो आपके सामने, मेरे सबके सामने। दूसरा, आपने राम सेतु की बात कही, जितेंद्र सिंह जी ने कहा अभी संसद में खड़े होके कहा, तब किसी की भावना की राम सेतु होने का कोई पुख्ता प्रभाव नहीं है, जबकि हमारे टाइम में जो ASI के अफसरों ने कहा था हमने कभी नहीं कहा, उनको निलंबित किया गया और उनको हटाया गया। राम मंदिर के ताले सबसे पहले किसने खोले, राम मंदिर में सबसे पहले पूजा अर्चना किसने की, बिल्कुल गलत और बात है। किसने किए, काल्पनिक किसने कहा, बिल्कुल सेतु समुद्रम योजना बनाकर 888 करोड़ रुपए किसने खर्च किए, अधिकारियों ने कहा बताइए ना सर, और उनको निलंबित किया गया। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, मैंने जो राम जी की परिभाषा दी है वही हमारी परिभाषा है, वो अहिंसक है, वो हिंसक हो ही नहीं सकते, वो तो इतने दयालु और करुणा के सागर है कि उन्होंने तो देखी आप रावण को भी माफ कर दिया। लेकिन इनके साथ चल क्यों रहे हैं भाई, कह रहा हूँ इनके साथ चल क्यों रहे हैं ऐसी विचारधारा के साथ, कोई कहता है कि सनातन कोरोना है वो भी आपके सहयोगी है, राम दशरथ के पुत्र नहीं है। अमित गोयल जवाब दीजिए, निषाद पार्टी के अमित गोयल आज भी ठीक है, अमित गोयल जवाब दीजिए। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भगवान राम तो कालातीत है, इस तरह के कालनेमी राक्षसों के कुछ कहने से राम जी के व्यक्तित्व पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। राम सुख सागर हैं, सिंधु सागर हैं, करुणा निदान है, कृपा निदान है, सुख शांति समृद्धि का प्रतीक है। अमित गोयल सामाजिक न्याय का जवाब दीजिए, जो यहां से उठाए गए हैं आपके नेता जिन्होंने बयान दिए उन पर ऐसा कोई कार्रवाई हुई? मैं करने वाली डिबेट में मैं चाह रहा हूँ ये समझना पड़ेगा हमको कि ये जो जिस तरह के बयान आते हैं ये सिर्फ इनकी राजनीति से प्रेरित है। अरे वो आपके नेता को गिना रहे हैं, कमाल कर रहे हैं आप, वही बता आप ये कह रहे हैं कि आपके नेता राजनीति करने के लिए ऐसे बयान देते हैं। बोलने का मौका तो दीजिए भैया, मैं ये कह रहा हूँ एक भी कांग्रेस का नेता गिना है नितिन ने, क्या कह रहे हैं मेरी बात सुनिए, ये बीजेपी है जिसकी 5-5 सरकारें बर्खास्त की थी कांग्रेस पार्टी ने, भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण को लेके जब बाबरी का ढांचा विध्वंस किया गया तो 5 सरकारें हमारी बर्खास्त हुई थी, इनकी सरकार बर्खास्त नहीं हुई थी, हमारे नेता जेल गए थे, हमारे नेताओं ने आज तक मुकदमे भुगते हैं। मैं तो कहना चाह रहा हूं कि आज इनको राम थोड़े बहुत याद आने लगते हैं बीच बीच के अंदर, अभी बीच में क्या हो गया था, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने क्या बोला था, राम जी को काल्पनिक बताया, राम सेतु को तोड़ने का काम किया, राहुल गांधी ने कहा लोग मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, अभी खड़गे जी ने क्या बोला था, और खड़गे जी ने पुत्र ने सनातन धर्म को बीमारी बताया, उदल इन स्टैंड कौन सी गठबंधन के नेता है बताइए आप मेरे को, NCP के जिस नेता ने बयान दिया है तो कौन से गठबंधन के अंदर है। मैं कह रहा हूं पूरा एक कुचक्र चल रहा है, लेकिन वो भगवान ने कहा जिसको प्रभु दारुण दुख देगी ताकि मति पहले हर ली, तो इनकी मति हर ली है, ये मति हर लिया, इसी का परिणाम है कि कांग्रेस सरकार की वो स्थिति है जो देश की आजादी के बाद 2014 चल रही है। आप ये एक बार सुना नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इनका कुछ मैं फिर रिपीट कर रहा हूं नितिन, एक मिनट में फिर दोहराइए किस नेता ने बीजेपी ने क्या बयान दिया। साथ निषाद जो मंत्री जी भी हैं उन्होंने कहा राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, कौन सी माँ पार्टी है, तो सीता हरण होता है
मैं कह रहा हूँ कैलाश विजयवर्गीय जो अभी भी इनके क्या निशान बीजेपी के मेंबर है। अरे इनके कैलाश विजयवर्गीय तो है कैलाश विजयवर्गीय तो अभी भी मंत्री है भाई मध्य प्रदेश में आपके। मैं कह रहा हूँ कैलाश विजय ऐसा एक ही बयान दिया राम जी के खिलाफ दिया और राम जी का अरे आज भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण हो रहा है सीता माता टेस्ट ट्यूब है। ठीक है मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। कौशलेंद्र दास जी दो चीजें होती हैं, एक होता है सत्य और एक होता है सत्य से परे आस्था। सत्य कटु होता है ये सब जानते हैं, लेकिन वो कटु सत्य कितना आस्था को आहत कर सकता है उसके आधार पर सत्य कई बार सत्य रहता नहीं या सत्य बताया नहीं जाता। मैं कुछ पढ़ रहा हूं उसकी भावना मुझे बताइए और बताइए कहां लिखा हुआ है और उसका अर्थ क्या है। लिखा हुआ है कि पंच पंच नखा भक्ष्य है ब्रह्म क्षत्रिय ने राघव और उसके आगे पांच नाम अलग हैं जिसमें गोधा है शश है कुर्म है और इसके अलावा श्वाविदो है और भी कुछ है, इसका मतलब क्या है? देखिए ये बात वास्तव में ठीक है कि धर्मशास्त्र और वैदिक सनातन धर्म की जो परंपरा है उनका उपयोग और उनके जो कालातीत चरित्र हैं उनका उपयोग राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से करती हैं। वे मतों का व्यापार करती है और मतों के व्यापार वोट पाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसका वह निर्वहन करती है। मुझे लगता है कि वेदादि शास्त्र व धर्मशास्त्र की परंपरा से उनका बहुत संबंध नहीं होता जी। लेकिन आपने जो श्लोक कहा वह योग वाशिष्ठ का श्लोक है और इसमें विपत्ति काल में मांस भक्षण का विधान धर्मशास्त्रकारों ने किया है और वह उन लोगों के लिए किया है क्योंकि मांस भक्षण के कुछ संकेत ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं और मांस भक्षण कौन करता था कौन नहीं करता था। मैं आपको इसका एक पूरा निर्णायक जो श्लोक है वो दर्शकों तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि मांस भक्षण में प्रवृत्ति और निवृत्ति इसको लेकर के शास्त्र ने क्या कहा। सोलंकी जी एक श्लोक है मनुस्मृति में, ये श्लोक आप सुनिए और इसका बहुत सरल संस्कृत में है जी। महाराज मनु कह रहे हैं न मांस भक्षणे दोष है, मांस भक्षण में दोष नहीं है, न मध्य न च मैथुने, न मध्य पीने में दोष है और न ही मैथुन करने में दोष है। तो इसका मतलब क्या ये तीनों धर्म है? अभी श्लोक पूरा नहीं हुआ है, आधा श्लोक है। नीचे मनु कहते हैं कि कोई मांस खा रहा है कोई मध्य पी रहा है कोई मैथुन कर रहा है, इसमें वह क्या चमत्कार कर रहा है, ये तो प्रवृत्ति ही ऐसा भूता नाम, अरे ये तो जीवों की सामान्य प्रवृत्ति है, सामान्य लोग तो ऐसा ही व्यवहार करते हैं। फिर क्या किया जाए? निवृत्तिस्तु महाफला, इनसे जो निवृत्त हो जाता है वह महापुरुष महान फल को प्राप्त होता है। अब प्रसंग यह है कि जितेंद्र जी ने जो ये बयान दिया है कि श्री रामचंद्र महाराज, मैं मेरे मुख से कहूंगा नहीं, मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुना के चुप हो जाऊंगा। जब वाल्मीकि सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज जानकी जी के पास पहुंचे और जानकी जी ने हनुमान जी को नहीं पहचाना और जानकी जी को ये पूछा कि भाई मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम श्री रामचंद्र और श्री लक्ष्मण जी के यहां से आए हो, तो जानकी जी ने एक वाक्य कहा हनुमान जी को कि भैया एक काम करो, यानी रामस्य चिन्हानी लक्ष्मणस्य च यानी, अरे जो श्री रामचंद्र के चिन्ह हैं जो श्री लक्ष्मण जी के चिन्ह हैं वे कैसे उड़ते हैं कैसे बैठते हैं कैसे बोलते हैं कैसे देखते हैं यह बताओ। सोलंकी जी उन्होंने एक प्रश्न और किया, वे क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं यह बताओ। अब मैं आपको वाल्मीकि रामायण का ओरिजिनल टेक्स्ट मेरे दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी के श्रीमुख से माता जानकी को जो श्लोक कहा जा रहा है उस श्लोक का मूल वाक्य आप सुन लीजिए, अर्थ आप स्वयं कर दीजिएगा। हनुमान जी कह रहे हैं न मांसम राघवो भुंगते न पानम उपसेवते, हे माता जी मेरे राम जिनका मैं सेवक हूं मैं रामदूत हूं वे राम राघव न तो मांस खाते हैं न पानम उपसेवते और न ही वे मद्यपान का सेवन करते हैं। अब वाल्मीकि रामायण का ये प्रमाण हनुमान जी के मुख से कहा हुआ यह श्लोक, अब इसके बाद में भी यदि कोई अपनी कुमति से इतने पूरा देश नहीं, मैं कई बार कहता हूं कि भारत उन्होंने सवाल सिर्फ इतना नहीं उठाया, उन्होंने ये भी कहा है कि सोलंकी जी प्रभु श्री राम बहुजन थे मुझे कोई दिक्कत नहीं है नहीं, क्योंकि प्रभु श्री राम तो सबके हैं। नहीं आपकी ये कहे कि भाई प्रभु श्री राम हमारे भी हैं
तो दिक्कत नहीं, नहीं। लेकिन अगर वो जो वर्ण व्यवस्था से ऊपर रहे, जाति व्यवस्था से ऊपर रहे, उनको आप बांध देंगे तो समस्या है। एक बात सोलंकी जी इसमें जोरदार है, और ये लोकतंत्र की ये विकृति है कि 75 वर्षों के अंदर हम सब लोगों ने भारत की जनता ने अपने महापुरुषों की जातियां खोजने का जो एक गलत काम प्रारंभ कर लिया है, इसका व्यापक नुकसान हो रहा है। रामचंद्र जी महाराज राजपूत समाज के हमारे हैं, परशुराम जी ब्राह्मण कह रहे हैं हमारे हैं, यदुवंशी कह रहे हैं भगवान कृष्ण हमारे, तो ये गलत व्यवस्था थी नहीं, वर्ण व्यवस्था और उसके हिसाब से वो क्षत्रिय है। मैं कह रहा हूं वर्ण नहीं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनेश होता है, सूर्य वंश में राम जी का जन्म हुआ। इसलिए यदि जितेंद्र जी यह कहते हैं, आप मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात कि भगवान श्री राम बहुजन है, भगवान श्री राम ब्राह्मण भी हैं, भगवान श्री राम क्षत्रिय भी हैं, भगवान श्री राम वैश्य भी हैं, भगवान श्री राम शूद्र भी हैं, भगवान श्री राम स्त्री भी हैं, भगवान श्री राम पुरुष भी हैं, भगवान राम केवल भारत के नहीं हैं, भगवान राम संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण मानवता के सूर्य हैं जो उसे प्रकाश प्रदान कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने जिसका जिक्र किया कि भाई प्रभु श्री राम को लेकर हनुमान जी ने जो वर्णन किया सीता मैया को, जी मैं एक और श्लोक पढ़ रहा हूँ जी, वो है सत्य संग प्रभु बधि करी एही अनहु चर्म कहती बेदही। अब इसका मतलब क्या है? ये आप रामचरितमानस का वह वाक्य बोल रहे हैं जो सुंदरकांड के पूर्व अरण्यकांड में सीता जी उस हिरण को जब स्वर्ण मृग माया मृग जो है मारीच जो माया मृग बना हुआ उसको देखती है, तो इस चौपाई का अर्थ है कि सत्य संद प्रभु बधि करिए ही, हे भगवान आप सत्यसंध है, आपका बाण खाली नहीं जाता है, इसको मार करके आप इसके चर्म को लेकर के आइए। लेकिन ये आधी चौपाई है, इसके बाद में जानकी जी जो कहती है वो कहती है कि मैंने त्रिकाल में मैं ये सारा जो खेल हुआ ये 13वें वर्ष के अंत में जाके हुआ, अर्थात जब 13वें वर्ष का वनवास भोग रहे थे राम जी, उन्होंने कहा इसका जो चर्म है वो इतना सुंदर है कि मैं इस मृग चर्म को अपने उपासना के लिए प्रयुक्त करूंगी, और इस मृग चर्म को मैं अयोध्या में जाके लोगों को दिखाऊंगी कि हमने वन में इतना सुंदर मृग देखा। अब इस चौपाई का मांस भक्षण से जो संबंध जोड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है वो उनकी कल्पना है, उनका अनुमान है। क्या उन्होंने राम जी को और जानकी जी को मांस खाते देखा है क्या कि वो कह रहे हैं राम जी मांस खाते थे? तो इन बातों का कोई वो नहीं है। और आप जो चौपाई अरण्य कांड की कह रहे हैं, वास्तव में ये ठीक कह रहे हैं आप, जानकी जी ने यही कहा कि इसकी चर्म मुझे चाहिए जिसको मैं सुशोभित करूंगी हमारी झोंपड़ी को, और मैं अयोध्या में जाके लोगों को दिखाऊंगी कि हमने इतना सुंदर मृग, इतने विचित्र चर्म वाले मृग को हमने देखा। नहीं, लेकिन अभी आपने ही कहा, मैं बाकी पैनलिस्ट को इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मुझे इसे पॉलिटिकल से ज्यादा मुझे आध्यात्मिक रखना है। आपने ही कहा कि भाई प्रभु श्री राम तो ऐसे हैं कि बेवजह वो किसी का वध नहीं करते। नहीं, वो राम जी के, लेकिन आपने स्वयं एक बात कही, वे क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म आखेट मृगया करना। वे आखेट मृगया केवल पशुओं को मारने के लिए नहीं करते हैं, वे रामायण में तो लिखा है उनके कल्याण के साथ ही रावणादि भयंकर निशाचरों को मारने के लिए, जब उनको पता है आगे लंका में भयंकर राक्षसों को मारना है, तो जो फायर करता है, जो युद्ध कर रहा है, जो वॉर में जा रहा है, उसके लिए स्वाभाविक है कि उसको शस्त्र धारण करना पड़ेगा। हालांकि इसके आगे की चौपाई ये भी कहती है, जो मैंने पढ़ी वो अधूरी है वाकई में, उसके आगे की चौपाई ये भी कहती है कि प्रभु श्री राम जानते हैं कि राक्षस रूपी मृग है जी, और उसके वध करने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि वहां से देवताओं के उत्थान की वो परंपरा शुरू होनी थी जिसमें रावण का वध करना। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। लेकिन नितिन, क्या होता है कि अधूरा ज्ञान जहर के बराबर होता है। बिल्कुल। और वो जहर कब पूरे समाज को विषाक्त कर दे कोई नहीं जानता। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बाकी धर्मों को एक लाइन से आगे बढ़ते ही नहीं है, और जिसने बढ़ने की कोशिश की वो इतना आगे बढ़ गया कि इस दुनिया का ही नहीं बचा, तो ऐसा क्या है कि हिंदू धर्म को लेकर जिसकी जुबा पर जो आता है वो बोल देता है, बिना सोचे समझे बोल देता है, और फिर आप आकर कहते हैं कि भाई माफी मांग तो ली, बहुत है, दीजिए ना बयान बाकियों के बारे में, और फिर कहिए आके कि माफी मांग ली। देखिए, मैंने विजयन जी पहले ही कहा कि जिस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया है, क्योंकि मैंने बताया कि महात्मा गांधी जी के कौन से राम हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पूरी तरीके से राम का और राम के चरित्र का वर्णन नेहरू जी ने किया है। हमारे राम अहिंसक है, वो हिंसक हो ही नहीं सकते, और जिस तरीके से मैंने उनका चरित्र और नैतिकता का, देखिए मैंने चरित्र और नैतिकता का, हां नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूं कि अब हम ये पढ़े कि नेहरू जी के राम कौन है, गांधी जी के राम कौन है, हम भूल जाए कि वाल्मीकि के राम कौन है। मैंने ये कहा कि जिस तरीके से उनके चरित्र का वर्णन है, जिस तरीके से हम, हमारे जो राम है वो करुणा के सागर है, दया के सागर है, चरित्र और नैतिकता में, मैंने कहा कि अगर उनके थोड़ा सा भी अगर किसी को उसके उनके चरित्र के बारे में जानने का मौका मिल जाए तो सारे पाप नाश हो सकते हैं, वैसे राम है। लेकिन मैंने तमाम आपको बयान बताए,
एक भी जवाब बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं दिया। राम सेतु पे तो कहा गया है ना कि एक बेवकूफ दोस्त से एक समझदार दुश्मन ज्यादा अच्छा होता है, और दूसरा कहावत है कि भोटा हथियार और बेवकूफ यार, मरवावे ही मरवावे। भाई ऐसे पालने ही क्यों है जो आपकी विचारधारा के विपरीत है। मैं ये कह रहा हूं कि लोग मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, तब कहा था नहीं कहा था। अरे राम जी तो का बयान बताया नहीं बताया, बताओ बीजेपी की पांच सरकारें बर्खास्त हुई नहीं हुई बताओ। उसमें राम सेतु को नकार दिया, उसको तोड़ने के लिए कहा, और उसका नाम बयान नहीं देंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने फाइल को सबके सामने एक्सपोज किया था। दूसरी बात, अभी जितेंद्र सिंह जी ने बोला कि राम सेतु काल्पनिक है, काम कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं करना चाहते। अरे राहुल गांधी जी से माफी मांगो भाई, जिसने राज्यसभा में जवाब दिया कि राम सेतु के पुकारने के कोई प्रमाण नहीं है, और उमा भारती ने कहा राहुल गांधी से माफी मांगो, मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगो, पांच पांच बीजेपी की सरकारें बर्खास्त कर दी। और अब ये बताओ क्या राम जी के मंदिर का निर्माण में जा रहे हो क्या? रम्मे राम जिनमें जान की बोल रहे हैं, शर्म आ गया तुम्हारा, यहाँ बोल रहे हो ना, आपकी भावना ऐसी है। और इनका नेता है, इनका नेता उसको उसको मर्यादा ने कहा, जिसको ये गोद में ले लेके घूमते हैं, आज तक भी उन्होंने माफी नहीं मांगी। और योगी जी ने माफी मंगवाई है, पहले तो बताने की बात कर रहे थे, हनुमान जी दलित है, योगी जी ने कहा हनुमान जी दलित है। नितिन प्लीज, एक मिनट कौशलेंद्र जी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि एक पिता है जी, उसके दो पुत्र हैं, मैं यहां वर्तमान में दो पार्टियां मान लेता हूं जी, दोनों उनको जमकर गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जबकि राम तो सबके इधर से गालियां हैं, इधर से गालियां हैं, अपमान तो प्रभु श्री राम का हो रहा है, हिंदुस्तान का हो रहा है। कौन गाली दे रहा है? मुझे ये लगा, राम तो कहा, मुझे ये लगा मुझे लगा कि भाई दोनों एकमत होंगे, मुझे लगा इस मुद्दे पर दोनों एकमत होंगे कि जो भी आपकी बात से जी। एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये मुझे नहीं पता कौन किस पार्टी पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं, लेकिन एक चौपाई मैं आपको कह देता हूँ, वो चौपाई बहुत काम की है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, चाहे भाजपा के नेता गाली दे, चाहे कांग्रेस के नेता गाली दे, लेकिन भगवान राम की निंदा जो लोग करते हैं और उस निंदा को जो सुनता है, उसको सुनने का कितना बड़ा पाप है, वो आप तुलसीदास जी से सुन लीजिए। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गोघात समाना, गो हत्या करने जितना पाप होता है। इसलिए मेरा इन दोनों से ही आग्रह है, इनके नेता ने वो कहा, उनके नेता ने वो कहा। जी बोलिए जी, आप ये बता दो, आप तो बहुत मर्मज्ञ हो, शास्त्रों को जानते हो, मैंने आपको बहुत समय से देखा है, और राजनीति को भी समझते हो और शास्त्र को भी समझते हो, आप फैसला कर दो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भगवान श्री राम को मंदिर के निर्माण के लिए क्या प्रयास नहीं हुए, क्या बीजेपी की पांच पांच सरकारें बर्खास्त नहीं हुई, क्या बीजेपी के नेताओं मुकदमे नहीं चले, ये आप बता दो, आप फैसला कर दो। अरे आप बता दो, अरे भाई उनसे फैसला करा दो, अरे आप उनसे फैसला करने दो ना। सबसे पहले राम मंदिर बीच में बोलेंगे, जो शास्त्री जी आए उन शास्त्री जी से करवाएंगे नहीं, विजेंद्र जी शास्त्री जी से फैसला कराओ, बिल्कुल शास्त्री जी से फैसला कराओ, किसकी कौन सी पार्टी है? अमित भाई जिसको भी फैसला करना है ना, अमित और नितिन जिनको फैसला करना है ना, वो फैसला कर रहे हैं, फैसला कर दिया, फैसला कर रहे हैं, सत्ता से बाहर है, जनता ने फैसला कर दिया, इसलिए एक सवाल है मेरा, इसीलिए आज कौशलेंद्र जी चलिए, अमित गोयल आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं, और सवाल करता हूं, ईश्वर निंदा कानून, इसका जिक्र बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, भाई इस कानून को लाइए और कहिए जो भी ईश्वर चाहे वो किसी धर्म का है उसको लेकर कोई भी विवादित बयान देगा उसको सलाखों में डाल दिया जाएगा। इस कानून को लाने में भला क्या दिक्कत हो रही है?
देखिए विजेंद्र जी एक बात को यू समझिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जिस धर्म में जिनके भगवानों का अपमान होता है वो हिंदू धर्म है, बाकी किसी का नहीं होता। देखिए विजेंद्र जी मैं आपको बता दूं, भारत की जो संस्कृति है, अपने धर्म पे गर्व करो, दूसरे के धर्म का सम्मान, ये मेरे भारत की पहचान और यही बीजेपी की भावना है। इससे हम बिल्कुल भी अलग नहीं है। देश में हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करे। आप ये बताइए हम कौन से धर्म को गाली देने वाले लोग हैं? हमारी पार्टी के लोग कौन से धर्म को गाली दे रहे हैं? अरे बार बार हमला जो सनातन पर कर रहे हैं, आप ये देखिए मैंने आपको उदाहरण दिए, आप उदाहरण देने की जरूरत भी नहीं, आपको सब पता है, मेरे ज्यादा पता है आपको। कानून क्यों नहीं लाया जा रहा? भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाने के लिए इनकी पार्टी के नेता कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट टाल दो, और आज ये लोग कब तक सुनते रहेंगे? श्री कृष्ण के लिए बयान, विजेंद्र भाई श्री राम के लिए बयान, भगवान शिव के लिए बयान, देवादिदेव के लिए बयान, ब्रह्मा जी के लिए बयान, ये सब मैं गिना रहा हूँ, माँ सरस्वती के लिए बयान, माँ लक्ष्मी के लिए बयान, एक बार कब तक सुनते रहेंगे? विजेंद्र भाई मुझे बताइए क्या इस देश में हर चीज कानून से होगी? होनी मैं चाहिए। कह रहा हूं कांग्रेस ने जो वीआईपी कल्चर चलाया देश में कि हिंदू धर्म को गाली देने वालों को लगातार सम्मान किया इस पार्टी ने, उसका परिणाम है आज देखिए जब भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तब भी इनके जो राक्षस हो कालनेमी के रूप में जो बैठे बार बार कानून, एक मिनट धर्म के लिए धर्म के लिए 30 सेकंड दे दो आप, क्यों नहीं हो रहा है? मैं कह रहा हूँ 30 सेकंड दे दो आप मेरे को, अरे मैं 30 सेकंड दे दो, आप ये बताओ खड़गे जी का बयान क्या आया अभी? अरे भैया अपने वोटर्स के बीच में अगर आपने कांग्रेस का वोट नहीं दिया सनातन धर्म वालों की जीत हो जाएगी। खड़गे जी के बेटे ने क्या कहा? सनातन धर्म को बीमारी बता दिया। ये तो ताजा बयान है भाई, देखो लंबे चौड़े बयान नहीं, तो मेरे क्या मेरे पहले के बयान है। मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। क्या इस देश में वाकई में एक जरूरत नहीं शर्मिंदा कानून की? कब तक इस तरीके से उपहास उड़ता रहेगा? मैं विजेंद्र जी आपके इस बात से और इस जो समाज में चल रहा है से बहुत विनम्रता पूर्वक अपनी असहमति व्यक्त इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान जैसे देश जो किसी मजहब को लेकर के बने हैं और अहले किताब केवल एक किताब से इस्लाम और ईसाइयत जो धर्म चल रहे हैं, जो किसी उनके ईश या ईश्वर की निंदा नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने ईश कानून बनाए, ईश निंदा कानून। मैं आपको एक वेद वाक्य की ओर ले चलना चाहता हूं। हम कौन लोग हैं? अमित जी के इस कथन से मेरी सहमति है। वेद कहता है आनो भद्राहा कर्तवो यंतु विश्वतः, विचार चारों ओर से आने दो। यही कारण है कि यदि कोई आज की तारीख विचार मैं एक बात कहना चाहता हूं, यही कारण है कि यदि श्री राम श्री कृष्ण पांडव हमारे पौराणिक जितने भी हैं उनकी प्रशंसा में और उनकी चीजों को लेकर के जो तमाम विचार पे विचार विचार पे विचार विचार पे विचार आते जा रहे हैं, जब ईश निंदा कानून हम लाते हैं कि हम भारतीयों के इसलिए खिलाफ है, तब किसी भी आदमी को ये लगता है कि जैसे हम बाइबिल और कुरान के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, हम रामायण और महाभारत के लिए हो गए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नितिन, आपका भी शुक्रिया। अमिता आपका भी शुक्रिया। कौशलेंद्र दास जी कह रहे हैं कि जैसे समुद्र मंथन एक दौर में हुआ, मंथन होते रहना चाहिए, क्योंकि जहर निकलेगा तो वो भी पता चलेगा और अमृत निकलेगा तो भी पता चलेगा, और जहर पीने के लिए महादेव हर दौर में रहे हैं, अनंत काल में रहे हैं। नमस्कार। 14 वर्षाचा वनवास फक्त आईच्या आणि वडिलांच्या इच्छे खातर भोगणारा राम हा या पक्षात असू शकतो, या 3 पक्षात। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे। लोग भावनाओं का आदर करते हुए